तो हेलो गाइस, जैसे कि लेके आ चुका हूँ आपके लिए मारुति सुजुकी की स्विफ्ट एक बार वापस लेके आ चुका हूँ, क्योंकि पहले जो आपके लिए लाया था वो एक मिडिल मॉडल था, बट अब जो लाया हूँ वो एक टॉप मॉडल गाड़ी है। और टॉप मॉडल में पहले मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, जो कि हेडलाइट में देख सकते हैं आप, DRL लाइट दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फॉग लैम्प आता है कंपनी फिटेड, और यहाँ पे साइड में आ सकते हैं तो साइड का लुक में भी दिखा सकते हो। एक मेजर अपडेट है, जैसे कि भाई आपको जो मिडिल मॉडल में व्हील कवर्स आते हैं, बट इसमें आपको 15 इंच के अलॉयस आ रहे हैं, जो कि कंपनी फिटेड ही आ रहे हैं। तो ये एक टॉप मॉडल में ही आपको सब खासियत मिलती है। और अभी मैं पीछे का भी आपको लुक दिखाऊंगा, तो पीछे में क्या चेंजेस है, जैसे बिग डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था। इसमें डीफॉगर आता है और उसमें बैक वाइपर आता है, जैसे रियर वाइपर बोलते हैं उसको। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा भी दिया हुआ है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि बेस मॉडल और मिडिल मॉडल में नहीं आता है, ये आपको सिर्फ सब टॉप मॉडल में मिलेगा। और अभी हम करेंगे इसका इंटीरियर चेक, क्योंकि मैं आपके लिए खास आज गाड़ी लेके आऊँ अंदर का इंटीरियर दिखाने के लिए। तो चलते हैं और चेक करते हैं इंटीरियर इसका कैसा है। तो जैसे कि गाइस, अभी मैं बैठ चुका हूँ स्विफ्ट के अंदर। जैसे मैं आपको बता रहा था, आज मैं आपके लिए खास जो गाड़ी लेके आया हूँ सिर्फ इसका इंटीरियर दिखाने के लिए, क्योंकि कैसे था, बेस मॉडल मैंने आपको दिखाया था पहले भी वीडियो में, और मिडिल मॉडल मतलब मिडिल और बेस में ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है जितना आपको टॉप मॉडल में सब चीज़ें मिलती है। तो जैसे कि आपको मिडिल मॉडल में जो AC कंट्रोल मिल रहा था, ये सेम ही AC कंट्रोल आपको मिलेंगे, बट जो आपका टॉप मॉडल में मेन जो मेजर डिफरेंस रहता है, ये आपका जो म्यूजिक सिस्टम रहता है, पहले आपका जो आता था 7 इंच का था, क्योंकि बेस मॉडल और आपको मिडिल मॉडल में 7 इंच का मिलता है, बट ये आपको 9 इंच का मिल रहा है, और इसमें एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको सब मिल जाता है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे बटन स्टार्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो अभी कर चुके हम गाड़ी स्टार्ट। और इसमें आपको दूसरा क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, जो कि कंपनी फिटेड रहता है। और आपका यहाँ पे स्टेयरिंग एडजस्टमेंट, जैसे मैंने आपको हर गाड़ी में दिखाया वैसे सेम ही है ये, बट इसमें क्रूज कंट्रोल है। और इसमें मेजर और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी है, जो कि आपको मिडिल मॉडल में नहीं मिलता है, ये आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा। और इसका कंसोल मीटर आप चेकआउट कर सकते हैं, कंसोल मीटर मुझे काफ़ी स्पोर्टी लगता है, आपको कैसे लगता है आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका आपको कैसे मीटर इसका लगा। उसके बाद में अभी हम इसका चेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको गाड़ी चलाने में बताया था, तो पहले भी गाड़ी का ड्राइव दिखाया था, अभी भी एक छोटा सा ड्राइव दिखा दो, जैसे कुछ इसमें फ़र्क ऐसे कुछ नहीं रहता है, सब सेम ही रहता है। तो चलाते हम गाड़ी, अभी चेक करते। तो ये अभी हम गाड़ी चालू कर चुके हैं और गाड़ी थोड़ा चला रहे हैं, स्पीड आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, फोर सिलेंडर और 3 सिलेंडर में जो रहता है, तो आपका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इसमें, 19-20 का फ़र्क है, ऐसे कुछ ऐसे एकदम पिकअप में डाउनग्रेड ऐसे कुछ नहीं हुआ है। पिकअप वगैरह आप अभी भी अच्छा ही है गाड़ी का, क्योंकि आप खुद चेकआउट कर सकते हैं, तो पिकअप वगैरह गाड़ी का अच्छा ही है, मारुति सुजुकी ने अच्छा काम किया है, जैसे कुछ डाउनग्रेड नहीं हुआ है। जैसे आपको थोड़ा बहुत जैसे आप ब्रेकर पे जब भी आप गाड़ी चलाते हो, या आपको ब्रेकर वगैरह आता है, तो सेकंड गियर में आपको थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ ये 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका पिकअप नॉर्मल से कम है, बाकी ऐसा कुछ मेजर फ़र्क नहीं है, आपका सब सेम ही लगता है। और जैसे मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में, जैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm 165 था, तो ये थोड़ा सा कम हो गया है 163 mm, बट इतना आपको मेजर कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, एज इट इज़ सेम ही है, लगभग सेम ही होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। और गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है, और मैं टॉप मॉडल आपके लिए लाया था आपको दिखाने के लिए। मेन आज जो हमारा ये था मतलब टॉपिक, आपको सिर्फ हमको टॉप मॉडल भी दिखाना था, जैसे मिडिल मॉडल तो दिखाया था हमने। और इसमें एक और मेजर अपडेट है, जैसे पीछे जो आपका है AC वेंट आ चुका है, जो कि उसमें नहीं था। और दूसरा मैं और एक अपडेट दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट देख सकते हैं आप, जो USB-C टाइप वाला भी है, उसके बाद में नॉर्मल USB भी है, तो दोनों आपको ये भी मिल रहा है, A to C चार्जिंग भी मिल रहा है और नॉर्मल USB भी मिल रहा है। तो ये सब आपको फंक्शंस मिल रहे हैं, जो कि आपको मिडिल मॉडल में नहीं मिल रहे थे। तो ये था एक स्विफ्ट का आपका वीडियो। और आपको गाड़ी लेना है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, या आपको मारुति की कौन सी भी गाड़ी लेनी है, मारुति सुजुकी अरीना की, तो आप प्रकाश ऑटो, मारुति सुजुकी अरीना प्रकाश ऑटो में विजिट कर सकते हैं। और मेरा नाम है उमेश आहूजा, आप मुझे वहाँ पे आके मिल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा नंबर भी दे दूंगा। और शुरू में मैं आपको गाइस बता रहा था, तो आपको गाड़ी लेनी है तो आप प्रकाश ऑटो में आ सकते हैं। और जैसे कि आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक था, मतलब मैं आपके लिए गाड़ी लाया था आपको इंटीरियर दिखाने के लिए, तो मैंने पूरा आपको इंटीरियर दिखाया, एक्सटीरियर में जो चेंजेस थे वो भी मैंने दिखाए। तो हमारी वीडियो आप ऐसे ही देखें और हमें सपोर्ट करें। और जिसने भी अभी तक गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जाके चैनल सब्सक्राइब करें, डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।